आ रही है तो वो दलितों को लुभाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं, कपाड़ में गोली खाओगे, कपाड़ में गोली खाओगे तब रोजगार मिलेगा, यानी मरने के बाद रोजगार देंगे। जीते जी क्यों नहीं रोजगार मिलता, जीते जी क्यों नहीं दे सकते ये सरकार रोजगार? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दलित को दीजिएगा रोजगार ठीक है, लेकिन उनके परिवार में मरेंगे तब दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देना पड़ेगा, आप हत्या का, मर्डर का, आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में अगर हत्या होती है उनके परिवार में किसी की, तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा? ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की साफ स्पष्ट करता है कि इनको केवल और केवल जाति की राजनीति करनी है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी बहालियां होती हैं उसमें विशेष जाति के लोगों को, विशेष क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। सिपाही बहाली हो या कोई और बहाली हो, बड़े पैमाने पे धांधली होते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होता। आप पूछिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है, 58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की? बेरोजगारी है ये बात हम जानते हैं, ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते। ये केवल केवल हमारे हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है, आपने देखा, हमने देखा। 3 घंटे भाषण दिए, लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी कब खत्म करेंगे, ये उपाय नहीं बताया। हम लोगों पे आरोप लगाते रहे, मुबारक नीतीश जी, आप कहोगे लालटेन युग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी जान लीजिए एलईडी का आविष्कार आपने नहीं किया है। और जब लालटेन युग अगर खत्म हो गया है तो तीर का क्या काम है? अब तो मिसाइल आ चुका है, मिसाइलों से दागा जा रहा है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने की जो ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लगाएंगे आरोप, लेकिन उनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मेरा आधा उम्र है, मेरा उम्र जितना होगा उनका पूरा राजनीतिक करियर समझ लीजिए कि उतना होगा। तो अगर नीतीश कुमार जी ऐसी स्तर की बातें करेंगे तो उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो अंधकार जो है, इसके लिए एक एलईडी बल्ब से ये अंधकार मिटने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए आपको रोजगार का प्रकाश देना पड़ेगा। जो करोड़ों लोगों के घरों में जो अंधकार है, इसको अगर आपको प्रकाश करना है तो आपको रोजगार देना होगा। इसलिए बेरोजगारों ने तो आंदोलन किया बीपीएससी के बाद।